आज स्टार्ट करेंगे एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। लास्ट वीडियो में पढ़ा था एडिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, आज पढ़ेंगे एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स यानी कि सिंपेथोलाइटिक ड्रग। ओके, सिंपेथोलाइटिक ड्रग पढ़ेंगे आज। सो सिंपेथोलाइटिक सिस्टम में हमने देखा था एडिनर्जिक जो रिसेप्टर थे वो दो टाइप के थे, अल्फा और बीटा। अल्फा में अल्फा वन था, अल्फा टू था, बीटा में बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री था। ओके, सो पहले पढ़ेंगे हम अल्फा ब्लॉकर एंड सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर। ओके, इनको ही जो अल्फा को ब्लॉक कर दे उसको, ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स थे, इसको क्या बोलेंगे, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स बोलेंगे। सो आज पढ़ रहे हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स अल्फा ब्लॉकर। अब अल्फा ब्लॉकर नॉन इक्विबियम इक्विबियम टाइप से हो सकते हैं। ओके, नॉन इक्विबियम यानी कि रिवर्सिबली, ये इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देंगे अल्फा वन अल्फा टू को और ये रिवर्सिबली करेंगे। सो नॉन इक्विबियम में एक ही ड्रग्स है, फिनॉक्सीबेंजामिन नाम से पता चल रहा है, PHE, इसका यूज है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है। ओके, उसमें क्या हो जाता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है, उसमें बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कैटाकोलामिन वगैरह रिलीज करता है, उससे बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो बीपी को कम करने के लिए हम इस ड्रग्स को देते हैं फिनॉक्सीबेंजामिन। बिकॉज अल्फा मैंने बताया था कि अल्फा क्या करता है, अल्फा वन क्या करता था, वेसोकंस्ट्रिक्शन करता था। अगर हम इसको ब्लॉक कर दें तो क्या हो जाएगा, वेसोडायलेशन हो जाएगा, तो बीपी कम हो जाएगा। सो हम इस ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। ओके, और नॉन सिलेक्टिव और नॉन इक्विबियम दोनों में अल्फा वन अल्फा टू दोनों को ब्लॉक कर दें, सिर्फ सिलेक्टिव वाले अल्फा वन को या अल्फा टू को ब्लॉक करते हैं। ओके, नॉन सिलेक्टिव लिखा है मैंने कि दोनों को ब्लॉक कर रहा है, अल्फा वन को भी और अल्फा टू को भी। सो ये सीवियर हाइपरटेंशन में हम यूज कर सकते हैं, और सिलेक्टिव को सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा वन को ही ब्लॉक कर रहे हैं। नॉन सिलेक्टिव की बात करते हैं तो ड्रग्स के नाम है फेंटोलामाइन, टोलाजोलिन, अर्गोटामाइन, अर्गोटॉक्सिन, डायहाइड्रोअर्गोटामाइन। याद करना बहुत सिंपल है, इनमें कोई ड्रग्स की जरूरत है नहीं, फेंटोलामाइन और टोलाजोलिन, बस दो ड्रग्स के नाम याद करना है, बाकी ये अर्गोटैल्कोलाइड है, इनको याद करो ना करो ये अपने आप हो जाएंगे। ओके, अर्गोटामाइन, अर्गोटॉक्सिन, डायहाइड्रोअर्गोटामाइन, डायहाइड्रोअर्गोटॉक्सिन। सो बस दो ड्रग्स के नाम याद करना, फेंटोलामाइन, टोलाजोलिन, नॉन सिलेक्टिव है, बाकी जितनी जो ड्रग्स हैं वो सिलेक्टिव ड्रग्स हैं। ओके, सो नॉन सिलेक्टिव में दो ही ड्रग कौन कौन सी, फेंटोलामाइन और टोलाजोलिन। फेंटोलामाइन और टोलाजोलिन का यूज है चीज रिएक्शन में और क्लोनिडिन विड्रॉवल में। ओके, इसमें इनका यूज है। चीज रिएक्शन क्या होती है, जब हम चीज वगैरह खाते हैं उसमें टायरामिन होता है, टायरामिन क्या होता है, एडिनर्जिक ड्रग्स होती है। सो उससे भी बीपी बढ़ जाता है, और बीपी को कम करने के लिए हम फेंटोलामिन और टोलाजोलिन देते हैं चीज रिएक्शन में। क्लोनिडिन विड्रॉवल भी ऐसा ही है, क्लोनिडिन भी एडिनर्जिक ड्रग्स है, अल्फा टू अगोनिस्ट है और अल्फा अगोनिस्ट है, और उसमें भी जब हम क्लोनिडिन एकदम से बंद कर देते हैं तो उसमें भी बीपी बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए बीपी को फेंटोलामिन या टोलाजोलिन देते हैं, ये दोनों ड्रग्स का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं सिलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर की। अल्फा वन सिलेक्टिव ब्लॉकर जो होते हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन और अल्फूजोसिन, टम्सुलोसिन और सिलोडोसिन। सो या तो ये जोसिन में या लोसिन में खत्म होंगे अल्फा ब्लॉकर। सो बहुत सिंपल है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्फूजोसिन, टम्सुलोसिन, सिलोडोसिन, जोसिन में खत्म होने वाले जो ड्रग्स हैं वो अल्फा ब्लॉकर हैं या सिलेक्टिव ड्रग्स हैं। बात करते हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्फूजोसिन, जो भी जोसिन वाले ड्रग्स हैं उनके बारे में, इनका यूज क्या है, ये भी अल्फा वन को ब्लॉक कर रही है, और अल्फा वन को जब क्या हम कहता है बेशो कंस्ट्रिक्शन, अगर ये ब्लॉक हो गया तो क्या हो जाएगा, बेशो डायलेशन। सो बेशो डायलेशन किस में यूज कर सकते हैं, हाइपरटेंशन में। ओके, हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि बीपी को बेशो डायलेशन मतलब बीपी का कम होना कम कर देगा। प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्फूजोसिन को माइल्ड टू मॉडरेट बीपी में यूज कर सकते हैं, इसको सीवियर में करते हैं। ओके, इसको माइल्ड टू मॉडरेट में करेंगे, इसको माइल्ड टू मॉडरेट में कर सकते हैं। सो प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्साजोसिन और अल्फूजोसिन। अल्फा वन ब्लॉकर या अल्फा वन रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे थे, तीन जगह पे थे अल्फा वन रिसेप्टर। एक तो थे आई में, प्रोस्टेट में, और तीसरे थे ब्लड वेसल में। ओके, तीनों का काम पता है अपन को, ब्लड वेसल में ये विशो कंस्ट्रिक्शन करते थे। ओके, प्रोस्टेट में भी यूरिन आउटफ्लो को कम करते थे। सो अगर हम अल्फा को ब्लॉक कर दें तो यूरिन आउटफ्लो बढ़ जाएगा, और यूरिन आउटफ्लो हम किस कंडीशन में बढ़ा जाएंगे, एक होती है कंडीशन BHP, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है तो उसमें यूरिन आउटफ्लो बहुत कम हो जाता है, और हम यूरिन आउटफ्लो को बढ़ाना चाहते हैं। सो अगर हम ब्लॉक कर दें, क्योंकि BHP मतलब कि प्रोस्टेट,
प्रोस्टेट पे कौन सा रिसेप्टर है? अल्फा वन रिसेप्टर। अल्फा वन रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक कर दें तो यूरिन आउटफ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्फा स्टिमुलेट होने से यूरिन आउटफ्लो कम हो रहा है। अगर हम ब्लॉक कर दें तो यूरिन आउटफ्लो बढ़ जाएगा। सो हम पराजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्सोजोसिन और अल्फोजोसिन और टम्सुलोसिन और सिलोडोसिन, ये सारी ड्रग्स बीएचपी में दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको बीएचपी भी है और साथ साथ हाइपरटेंशन भी है, प्लस हाइपरटेंशन भी है, ओके, सो इनमें तो वो ड्रग ऑफ चॉइस है। इनमें तो ऐसे कोई पेशेंट है उसके चांस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो 45 प्लस लोग होते हैं, 50 के प्लस वाले होते हैं, उनमें ये दोनों चांस कॉमन रहते हैं, हाइपरटेंशन उन्हें रहता है और बीएचपी की भी चांस 40 के बाद ही होते हैं। सो ये अगर दोनों ड्रग, दोनों डिसीज हैं उसको एक साथ एक पेशेंट में, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, बहुत अच्छी ड्रग्स है, दो कर सकते हैं, प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्सोजोसिन, अल्फोजोसिन, इन चारों ड्रग्स को, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। किस किस के लिए? बीएचपी एंड हाइपरटेंशन के लिए। जो लास्ट की जो दो ड्रग्स लिखी, ये टम्सुलोसिन और सिलोडोसिन, ये क्या होती हैं? ये सिलेक्टिव अल्फा वन ए ब्लॉकर होती हैं। अल्फा वन में भी अगर हम बात करें तो अल्फा वन जो होता है ये भी दो टाइप का होता है, अगर थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो, ओके, ये अल्फा वन ए और अल्फा वन बी या डी, ओके, सो अल्फा वन ए और अल्फा वन बी होता है, ठीक है। सो ये वाली जो ड्रग्स हैं टम्सुलोसिन और सिलोडोसिन, ये अल्फा वन ए जो होता है ये होता है प्रोस्टेट में और ये होता है ब्लड वेसल्स में। सो अगर हमें ब्लड वेसल्स पे काम ही नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोस्टेट की अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है, उसको बीपी की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हम सिर्फ अल्फा वन ए को ब्लॉक करना चाहेंगे, ओके, इसको ब्लॉक कर देंगे तो यूरिन आउटफ्लो बढ़ जाएगा। सो ये जो दो ड्रग्स बनाई गई हैं ये सिलेक्टिव अल्फा वन ए ब्लॉकर हैं। कौन सी हैं? सिलेक्टिव अल्फा वन ए ब्लॉकर। इतनी डिटेल जानने की जरूरत है नहीं, बस ये टम्सुलोसिन, सिलोडोसिन सिर्फ ये बीएचपी में यूज कर सकते हैं, इसको हाइपरटेंशन में ज़्यादा नहीं करेंगे। सो अगर किसी को बीएचपी और हाइपरटेंशन दोनों हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्सोजोसिन, अल्फोजोसिन। प्राजोसिन को कभी नहीं भूलना है, बहुत यूज है इसका, ओके। और अल्फा टू सिलेक्टिव में सिर्फ ये ब्रेक का काम करते थे, सो एक ही ड्रग है इसमें, योहिम्बिन। इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्फा ब्लॉकर हमारा हो गया है, अब हम पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर, बीटा वन, बीटा टू और बीटा थ्री ब्लॉकर के बारे में, उसके यूजेस के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।